हो सकेंगे। 5G लॉन्च होने पर हमारी जिंदगी बहुत बदल जाएगी। तो भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत, जिसकी वजह से अब ऑडियो और वीडियो कॉल भी आसानी से हो सकेगा बेहतर क्वालिटी के साथ। जल्द ही देश में 5G नेटवर्क की नीलामी शुरू होगी और आपको बता दें कि इससे हमारे जीवन भी बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सुगम हो जाएगा, क्योंकि पहले के मुकाबले अभी अगर बात की जाए तो बहुत सी तस्वीरें बदल जाएगी। 4G के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा स्पीड से 5G चलेगा और इसी की वजह से अब बच्चे घर पर बैठकर या स्कूलों में बिना टीचर के शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और वो भी बहुत आसानी से। इसी के साथ आपको बता दें कि अब मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। तो देश में डेटा क्रांति का जन्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5G आने से भारत का नया निर्माण हुआ है, 5G अवसरों के नए रास्ते खोलेगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G इंटरनेट सेवा का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने IMC 2022 प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और इस प्रदर्शनी को देखा भी। इस बीच जियो में 5G उपकरणों की तकनीक को भी उन्होंने समझने की कोशिश की, क्योंकि 2G से लेकर 5G के सफर में स्वदेशी विकास की अहम भूमिका है। इस बीच प्रधानमंत्री के साथ दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आकाश अंबानी प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आ रहे हैं, जो 5G टेक्नोलॉजी से PM मोदी को रूबरू करवा रहे हैं। आपको बता दें कि 5G नेटवर्क आने से भारत किस तरह बदलेगा, 5G नेटवर्क मिलने से किस तरह लोगों का जीवन और आसान हो जाएगा और कैसे भारत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। इस तकनीक से शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक नया संचार होगा, बहुत सी चीजें बदल जाएगी। तो 13 शहरों में इसकी शुरुआत, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, गांधीनगर और इसी के साथ जामनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, ये वो शहर जहां 5G की शुरुआत होगी। इसमें बेंगलुरु, चेन्नई और चंडीगढ़ भी शामिल है। लखनऊ, ये उन शहरों के लिस्ट में शुमार जहां 5G की शुरुआत होगी। और कौन सी वो कंपनियां हैं जो 5G लेकर आ रही हैं, आपको बता दें कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन, ये वो कंपनियां जो 5G शुरू करने वाली है। तो 13 ऐसे शहर जहां 5G की शुरुआत होगी और अब जमाना बदलेगा, या फिर यूं कहें कि अब जिस स्पीड से हम चल रहे हैं ये स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बहुत आसानी से आप तकनीक को जान सकेंगे, समझ सकेंगे और घर बैठे ही तमाम जानकारियां आपको मिल सकेगी। कहां सबसे सस्ता है इंटरनेट, बांग्लादेश जहां 25 रुपये पर GB आपको मिलता है, श्रीलंका और नेपाल जहां 22 GB आपको मिलता है और इसराइल जहां 3 रुपये पर GB आपको इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध की जाती है। तो 5G के फायदे हम आपको बता रहे हैं। 5G इंटरनेट की औसत स्पीड अब 1 GB पर स्पीड हो जाएगी, कॉलिंग अब बेहतर होगी, कॉल ड्रॉप की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। इसी के साथ क्लासरूम की अब जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बच्चे कहीं पर भी अब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप कहीं पर भी बैठकर प्लान होएगा कि दिसंबर तक पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। भाग भाग इंडिया में अपन देखेंगे कि 5G के अनुसार बहुत सारे नए एप्लीकेशन आएंगे और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि नई क्रांति चालू हो जाएगी इंडिया में। अफोर्डेबल होगी, किस तरह की सर्विसेज होगी 5G? एब्सोल्युटली हम बहुत अफोर्डेबल करेंगे। हर एक भारतवासी को अफोर्डेबल होना चाहिए, डिवाइस के लेके सर्विस तक सब कुछ तय करेंगे। थैंक यू। तो 5G आने से क्या कुछ फायदे होंगे,
ये आपको लगातार बता रहे हैं। आकाश अंबानी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 5G आने से अब बहुत से बदलाव होंगे। दुनिया में कहीं पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं 5G